हाय दोस्तों, मैं हूं साइरस और आज हम बात करेंगे बियर्ड के बारे में। तीन सिंपल स्टेप जिससे आपकी बियर्ड पूरी तरह से आएगी, आपकी बियर्ड ज्यादा पैची नहीं होगी, स्ट्रांग होगी, शाइन करेगी और पूरी बियर्ड आएगी। तीन सिंपल स्टेप है, उनको फॉलो करते हैं, शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि जैसे ही मैं वीडियो बनाऊं आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो दोस्तों, पहला स्टेप है, आपको हफ्ते में एक बार बियर्ड को ट्रिम जरूर रखना है। जी हाँ, आपको बियर्ड को ट्रिम जरूर करना है हफ्ते में एक बार। आप चाहें तो नाई की दुकान पर जा सकते हैं, मैं घर पे ही करता हूँ, मेरे पास ट्रिमर है, मैं ट्रिमर से घर पे ही करता हूँ। जो सबसे अच्छा ट्रिमर है वो फिलिप्स का है, इसमें 10 मोड्स दे रखे हैं, जैसे किसी की बियर्ड बड़ी होती है, किसी की छोटी, किसी की मीडियम साइज की, तो इसमें 10 मोड्स हैं, आप 10 अलग अलग साइज में बियर्ड ट्रिम कर सकते हैं। ट्रिम के अलावा, ट्रिम करने के बाद आपको तीन कट लगाने, मैं आपको बताता हूँ। पहला कट ये हो गया, दूसरा कट ये हो गया, तीसरा ये वाला कट हो गया। जब आपकी ओवरऑल बियर्ड ट्रिम हो जाए तो 1, 2 और 3, ये तीन कट आपको लगाने हैं, मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ से इस तरह से ट्रिम कर सकते हैं, उसके बाद सेकंड कट आपको यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे लगाना है 2, और फिर तीसरा कट यहाँ से लगाना है। तो ये आपको तीन कट लगाने हैं ट्रिमिंग करने के बाद, ये आपकी बियर्ड सेट हो जाएगी। दूसरा स्टेप बात करते हैं दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है आपकी बियर्ड साफ रखें आप, क्योंकि अगर आप ऑयल मॉइस्चराइजर भी लगाते हैं, ऊपर से लगाते हैं, जो बियर्ड के अंदर की स्किन है वहाँ पे मॉइस्चराइजर नहीं जा सकता। तो आपको क्या करना है दोस्तों, एक ऐसा बियर्ड वॉश यूज करें जो आपका फेस भी साफ रखे और बियर्ड भी साफ रखे। उंगलियों से जो पोर्स हैं, इस पोर्स से अच्छे से आपको साफ रखना है। फेस वॉश के लिए अलग से फेस वॉश लेना या बियर्ड के लिए अलग से बियर्ड वॉश लेना डज नॉट मेक सेंस, इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव। सो आप ऐसा वॉश यूज करें जो आपके फेस को भी साफ रखे और बियर्ड को भी साफ रखे। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक डाल दूंगा, आप चाहे तो आप खरीद सकते हैं बियर्ड वॉश, कुछ ऐसे आते हैं जो फेस एंड बियर्ड वॉश हैं। तीसरा स्टेप बात करते हैं दोस्तों, जब आपने ट्रिम कर लिया, बियर्ड को कट कर लिया, क्लीन भी कर लिया, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ऑयलिंग। दोस्तों, आप जब नहाते हैं, नहाने के बाद जब आपकी बियर्ड सूख जाती है तो आपको ऑयलिंग करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। खास करके सर्दियों में क्या होता है, आपकी जो स्किन बहुत खुश्क हो जाती है, आपके स्किन पे डैंड्रफ भी हो सकता है जो आपको बिल्कुल भी पता नहीं होता, क्योंकि ना तो सूरज की किरणें जाती हैं ना उनकी रोशनी जाती है, तो आप अपनी अंदर से स्किन देख भी नहीं पाएंगे। तो आपको ऑयल करना है, ऑयल हर रोज नहाने के बाद जब आपकी दाढ़ी सूख जाए उसके बाद ऑयलिंग करना है। हालांकि काफ़ी सारे ऑयल्स आते हैं मार्केट में, जो मैं ऑयल यूज़ करता हूँ, मैं जॉन स्पेक्टर का जो बियर्ड ऑयल यूज़ करता हूँ, इसकी पैकिंग बहुत अच्छी है और वाकई भी बहुत अच्छा है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला ऑयल 30 ml का ऑयल है दोस्तों, ये 30 ml का ऑयल है, मैं 1 से 2 बूंद ही यूज़ करता हूँ इसकी। आपको इसकी 2 बूंद लेनी है हाथ पे लगा के, ये जो पोर्स हैं, आप पोर्स को अच्छे से हल्का हल्का मसाज कीजिए, उससे एक तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, आपके जो फॉलिकल्स हैं वो उस पर अच्छे तरह से ऑयलिंग होगी, स्किन मॉइस्चर्ड रहेगी और बेटर रहेगी, और आपकी जब ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा, जो आपकी जहाँ कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे बाल नहीं आते वहाँ पे भी बाल आएंगे। दोस्तों, इस ऑयल की खासियत है, मैं आपको डिटेल में बताना चाहूँगा, इसमें 9 एसेंशियल ऑयल्स हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें मैं आपको बता देता हूँ, कोकोनट ऑयल है, इसमें स्वीट आलमंड ऑयल है, एरगन ऑयल है, सेसमी ऑयल है, हहोबा ऑयल है, हाइबिस्किस ऑयल है, रोजमेरी ऑयल है, टी ट्री है, प्रो विटामिन ई भी है इसमें, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है मैं आपको डिटेल्स में बताता हूँ। एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, हमारी जो बियर्ड है 30 साल के बाद जैसे ही हम पार करते हैं, वैसे तो आजकल तो 20 साल के बाद भी ऐसा हो रहा है, आपकी दाढ़ी बहुत जल्दी प्री मेच्योर ग्रेइंग जिसे बोलते हैं बहुत जल्दी सफ़ेद होना शुरू हो जाती है। रीज़न क्या है, आपके जो फॉलिकल्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, बालों का यहाँ का जो ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता, ग्रोथ अच्छे से नहीं आ पाती, बियर्ड बहुत मैसी लगती है, आपकी पैची लगती है और संपूर्ण रूप से नहीं आ पाती। तो दोस्तों, ये जो 9 एसेंशियल ऑयल जिसका मैंने नाम लिया है, अगर मैं सेसमी ऑयल की बात करूं तो ये प्री मैच्योर ग्रेइंग है, उसको हटाता है, आपके बालों को डार्क करता है। अगर मैं हिबिस्किस ऑयल की बात करूं तो ये हेयर ग्रोथ को इम्प्रूव करता है, विटामिन सी भी है, और बाकी सारे भी जो ऑयल हैं ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करते हैं, बालों की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें विटामिन ई भी है जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो देखिए कितने सारे 9 एसेंशियल ऑयल का संगम है ये ऑयल। आई एम वेरी हैप्पी विद दिस ऑयल, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, आई एम वेरी हैप्पी कि मेरी बियर्ड बहुत अच्छी आती है, क्योंकि जब आप आईने में खुद को देखते हो तो एक खुशी महसूस होती है, आपकी बियर्ड आती है। मुझे याद है जब मैं कॉलेज में था तो मेरी बियर्ड पूरी नहीं आती थी, यहाँ से पैची थी, और खास करके ये जो लाइन देख रहे हैं ये लाइन कभी भी नहीं आती थी।
तो उसके बाद से फिर मुझे मेरे फ्रेंड्स ने बताना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं यूट्यूब पर तो नहीं देखता था, यहाँ कोई ऐसा था भी नहीं जो यूट्यूब पर बता सके कि सही कौन है। तो उसके बाद मैंने सोचा मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ। तो तीन स्टेप हैं, याद रखिए, हफ्ते में एक बार ट्रिम जरूर करना है दाढ़ी को, अगर तो घर में बनाते हैं तो एक अच्छा ट्रिमर यूज कीजिए, 1, 2 और 3 तीन कट लगाने हैं आपको। उसके बाद दाढ़ी को साफ रखना है, साफ रखना सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको डैंड्रफ भी हो सकता है, तो दाढ़ी की जो स्किन है साफ रहनी चाहिए। तीसरा, ऑयलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये जॉन स्पेक्टर का ऑयल यूज करता हूँ, बहुत अच्छा है। इसको पोर्स पे लगा के हल्का हल्का मसाज करना है। एक तो फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी रहेगी, आपकी दाढ़ी बहुत शाइन करेगी, अब बहुत स्मूथ रहेगी और उसकी ग्रोथ बेटर रहेगी, पैची नहीं रहेगी। तो ये मेरा टोटल वीडियो था दोस्तों, तीन सिंपल स्टेप हैं। अगर आप चाहते हैं आपकी पूरी दाढ़ी आए, अच्छी दाढ़ी आए, स्ट्रांग दाढ़ी आए, शाइन करे और ग्रोथ अच्छी हो आपके बालों की, तो इसका ख्याल रखना पड़ेगा। क्योंकि हम लड़के क्या करते हैं, हम इतना ख्याल नहीं रखते, खास करके मैं कभी भी अपनी स्किन का या दाढ़ी का ख्याल नहीं रखता था, लेकिन जब से मैंने रखना शुरू किया वाकई मुझे बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले। सो आई एम वेरी हैप्पी विद माय बियर्ड सो फार। मुझे काफी सारे लोग मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पे, सो आपके पास कोई और सवाल है, क्वेश्चन है, तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या मुझे इसी वीडियो में कॉमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप ग्रोइंग, स्प्रेड द लव।